कभी किसी से प्यार करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर करो तो कुत्ते की तरह करो। मेरा नाम प्रेम है, मेरी एक ही वाइफ है डॉली और एक बेटा है जीतू और एक बहन में आया साला चिंटू। मैंने दिन रात काम किया क्योंकि मैं इस बात को दिल से मानता हूँ कि कर्म ही पूजा है। और शायद इसी वजह से मैं बहुत 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 सारी पूजा के साथ कर्म करने में लगा रहता हूँ। मैंने इतनी सारी पूजाओं की इतनी पूजा की कि एक एक करके मेरे सारे बिजनेस बंद हो गए। अब मैं खुद एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक मैनेजर की नौकरी कर रहा हूं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, क्या बात है, बड़ी जल्दी पहुंच गई। सर आप तो मुझसे बात मत कीजिए, ओह गॉड, रात में तो आप एनिमल बन जाते हैं। तो इसका मतलब कल रात आप किसी एनिमल के साथ थी, जानवर के साथ थी? छी। You been? तू स्कूल नहीं गया? गया था। फिर यहाँ कैसे? प्रिंसिपल सर की मम्मी की डेथ हो गई, छुट्टी हो गई, इसलिए घर आ गया। You liar, fraud, धोखेबाज? No mama, God promise, सच्ची। प्रिंसिपल सर की मम्मी की डेथ हो गई। हे भगवान। मम्मा इतना क्यों रो रही है? कहीं मम्मा प्रिंसिपल सर की मम्मी को जानती तो नहीं थी? मम्मा थोड़ा होंसा रखो, थोड़ा कंट्रोल करो, यहाँ जो आया है उसे जाना ही है, ये जीवन पानी का बुलबुला है। मम्मा थोड़ा पानी पी लो,
थोड़ा हौसला आ जाएगा। हौसला? यू लायर, मैं तुझे मार डालूंगी। बचाओ, मुझे बचाओ, मेरी मम्मी का दौरा पड़ गया। क्या हुआ नीटू? मामू, मम्मी का दौरा पड़ गया, वही जो अक्सर पड़ते रहते हैं। मैं इसे मार डालूंगी। हुआ क्या है, आखिर हुआ क्या है? ये झूठा है, धोखेबाज है। दी, आखिर हुआ क्या है? इसी से पूछ, हुआ क्या है? क्या हुआ है? मामू, मम्मी ने कराते मुझसे पूछा तो स्कूल नहीं गया। मैंने कह दिया कि प्रिंसिपल सर की मम्मी की डेथ होगी। बच्चे सुनते ही वो पागलों की तरह रिएक्ट करने लगी। अरे दी, अगर प्रिंसिपल की माँ मर भी गई तो तेरा क्या लेगी? चिट्टू, इस साल वो चौथी बार मरी है। डालेंगे नाक पर गुस्सा किस लिए? प्रिंसिपल की मदर नहीं मरी इसलिए, या क्यों नहीं मरी इसलिए? प्लीज, ये जोक था, हो गया, अब मैं जाऊँ। अजी रोका किस कम्बक ने है, हम तो गुलाम है आपके। प्लीज, मेरा मूड ठीक नहीं है। अबे यार, अपने इस मूड का क्या करें जो तुम्हें देखकर बन गया। उससे कहो सब्र करे। अलमुट, अबे थोड़ा सब्र करो। अबे यार, ये कह रहा पिछले 5 दिनों से सब्र में ही तो हूँ। जनाब, उसे कहो थोड़ा और सब्र करे। अबे ओए, थोड़ा और सब्र करो यार। पर ये कह रहा तुम तो हमेशा लफड़े में पड़े जाते हो। नहीं रुक रहा यार, अब क्या करें? उसे कहो फाड़ बेचा तू, और तुम कान खोल कर सुन लो। आज सुबह नीटू के स्कूल से फोन आया था। नीटू के स्कूल से फोन? जी हाँ, नीटू के स्कूल से फोन। ये साहबजादे स्कूल से बंक मारना सीख गए हैं, कई कई दिन तक स्कूल नहीं जाते। तो फिर जाता कहाँ है? उन्हें कैसे मालूम होगा? उन्होंने आप दोनों को स्कूल बुलाया है। कल जब आपके होनहार बेटे का नाम काट कर टीसी थमा देंगे, फिर मैं आपसे पूछूंगी आपका मूड क्या कह रहा है मिस्टर प्रेम। इतना एब्सेंट, कहाँ जाते हैं ये लोग? ऐसा क्या करते हैं जो स्कूल और पेरेंट्स से छिपाना पड़ता है इन्हें? कल एक स्टूडेंट की मदर बता रही थी कि उसके बेटे ने एक छुट्टी के लिए अपनी क्लास टीचर की मदर की डेथ का बहाना लगाया। रियली? उसने ऐसा किया सर? जब उस लेडी ने सरप्राइज से किया तो पकड़ा गया, लगा रोने। मैं सोच भी नहीं सकता, दे पीपल बिहेव लाइक दिस। वेरी बैड सर, पता नहीं आजकल की जनरेशन को क्या होता जा रहा है। ओ गॉड, मेरी मदर को बचाना ऐसे लोगों से। मेरी मदर की तो तबीयत भी खराब रहती है। क्यों, क्या हुआ सर? आधी आधी रात को उठकर रोने लग जाती है, कभी हंसने लग जाती है, और जब मैं घर जाता हूँ तो मुझे देखती रहती है, और कुछ खाने को दो तो फेंक देती है, और ना दो तो रो रो कर भीख मांग मांग कर मांगती है। ये तो जानलेवा बीमारी है सर। ओ माय गॉड, सेव माय मदर फ्रॉम दिस डर्टी पीपल। Oh please, please, you sir, please, may go. Sir, please, sir. You may go. Mama. Oh, down, ja.
दादे को पार्क में छोड़ के अकेले स्कूल आए हो। आए तू हवाओं में, वहाँ भी मिल जाती हैं क्या पतंगे? ये लड़कियाँ पतंगे कब से बन गई? जब से तू हवाओं में रहने लगा। मामा कह देना सॉरी, अब बात को छोड़ भी दिया करो। जब जब मैंने तुझे चेक किया है तू मुझे घर पर ही मिला है। अरे दी, अगर ये रोज घर पे रहेगा तो अटेंडेंस शॉर्ट नहीं हो जाएगी? तू चुप कर, ज्यादा इसकी साइड ना ले, मुझे सब पता है। अच्छा मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। जा। मिस्टर प्रेम, आज का न्यूज़पेपर तो पढ़ लेना। क्यों, क्या है उसमें? खुद ही पढ़ लो। अबे मुझे नहीं, इसे पढ़ने को कहो। मुझे क्यों? एक लड़के ने अपनी ही स्कूल की लड़की के साथ वो सब करके MMS बनाया और फिर सबको भेजा। तो साहबजादे, जब आप स्कूल से बंक मारेंगे ना तो जाने अनजाने एक दिन ऐसा ही होगा। पापा, फ्रंट पेज की सेकंड हेडलाइन पढ़ लेते हैं एक बारी। क्यों, क्या है उसमें? एक मैनेजर ने अपनी सेक्रेटरी का मिसयूज किया और अब जेल की हवा खा रहा है। तो कुछ नहीं, नीशरी तेरी ऐसी कैसी? अरे कल गुरुजी आ रहे मिश्री शर्मा के घर, तुम दोनों को चलना है, सीखो गुरुजी से जीवन जीने की कला। यस माय लॉर्ड। जल्दी जल्दी चलो, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। तुम्हारा बस चलता है, कहाँ है तुम्हारा वो लाडला? वो ट्यूशन गया, आज उसका टेस्ट है। और तुम एक एक बात ध्यान से सुनो। क्यों, प्रवचन के बाद रिटर्न टेस्ट लेते हैं गुरुजी? जी नहीं, प्रवचन के बाद उनके बताए हुए रास्ते पे चलना होता है। ये रहो, कल मेरी माँ मुझे एक गुरुजी के पास ले गई और गुरुजी लव को इम्पोर्टेंस देते रहे। रियली? के लव ऐसे करना चाहिए, लव वैसे करना चाहिए, जब जब मौका मिले, जहाँ जहाँ मौका मिले करते रहना चाहिए। प्लीज सर। I didn't do anything. करो भी पूजा। मैं पूजा नहीं, स्वीटी हूँ सर। I know you are very sweet. You made me very sweet. 60 gift in a 1 month job. But that's nothing. I know, I am a lucky one. Let's go for lunch. Oof. Boss has given a lot work over telephone. करना है। It's okay. Important. सुनो। विपाशा को कहना करीना को अंदर भेजे। राइट सर। अरे करीना घई को नहीं, करीना माथुर को। राइट सर। लगा पड़ा। चल छोड़ना यार, अब 40 का हो गया हूँ, यानी कि सेफ फ्रॉम ऑल साइड्स। कोई भी लड़की सेक्स असॉल्ट केस नहीं डाल सकती। क्यों? अबे वो पागल थी, उसे मालूम नहीं था कि मैं मैरिड हूँ। यू आजकल तू कभी नहीं सुधरेगा, तेरा कुछ नहीं हो सकता। अच्छा तेरे बॉस का क्या हाल है? अबे यार भूत का नाम मत ले, नाम लेते ही हाजिर हो जाएगा। बस काम ही काम किया है तेरे बॉस ने, पर तो कुछ भी कहे वो है बेंती, शादी तक नहीं की उसने। सर ना दुनियादारी से कुछ लेना ना देना, बस पागलों की तरह काम ही काम किया है। इंडिया को ऐसे ही लोग चाहिए। ओ तो आपने अपने फ्रेंड्स को भी बता रखा कि मैंने जिंदगी में ऑफिस वर्क के अलावा कुछ किया ही नहीं है। नो सर। मैं बैचलर हूँ। नो सर। मैं पागल हूँ। नो सर। मुझे किसी ने भी अपनी लड़की के काबिल नहीं समझा। आई एम ए रिजेक्टेड मैन। नो सर। तुम्हारी इन्हीं हरकतों ने पिछले 14 साल से तुम्हें AC पोस्ट पर बिठा रखा है। पर सर मेरा काम ठीक है, मैंने पिछले 14 साल से कंपनी को ग्रोथ दी है। आई नो यू आर ए हार्ड वर्कर, तुम्हें भी काम करने का जज्बा है। थैंक यू सर। बट यू इग्नोर मी, माई ऑर्डर, माई वर्क। मिस्टर प्रेम, जिस दिन मैं दिल्ली पहुंचूंगा तुम्हें एक ऑफिशियल लेटर दूंगा। थैंक यू सर। इडियट, ये तुम्हारा प्रमोशन लेटर नहीं, ये तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर। तुम समझते क्या हो मुझे? हेलो 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 सर। सर वो तो आज आएंगे। Yes. क्या नहीं पूछ रहे थे स्वीटी कैसी है? तो आपने क्या मेरे स्वीटी हो गई है हॉट और कर देती है सबको रोस्ट। सर मेरा तो बस एक कॉफी हो रहा है। ओह नो, शायद तुम्हें कोई बाहर बुला रहा है। बुलाने दो ना सर। अरे सुन तो लो एक बार। सुनूंगी भी, सुनाऊंगी भी, उनके रूंगी उदासी होगी। ओह नो, स्टेटस का सवाल सर, मेरे नहीं आपके। एक और प्रमोशन? तो वो मुझे प्रमोशन दे नहीं रहा और तुम लेती जा रही हो। बहुत जल्दी हम इक्वल होंगे। फिर भी नीचे रहोगे सर। क्या दे दो सर। क्या अब दे भी दो सर। तो ले लो ना प्रमोशन।
एक बार मिल जाए छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा तो मैं भी नहीं भाई। देख वो, देख वो आ रहा है, पकड़ 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 पकड़। तेरे पापा नहीं आए अब तक, क्या टाइम हुआ होगा? मम्मी काम पे लगे होंगे पापा। मुझे पता है कौन से काम होते हैं इस वक्त। रुको अभी अंदर मत आना प्लीज। गए थे मंदिर में? मंदिर गए थे? नहीं। फिर कहाँ गए थे? मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। फिर झूठ? नहीं इस बार सच। फिर? मैंने नीचे उतर कर देखा तो टायर पंचर था। फिर क्या हुआ? डिक्की में देखा तो स्टेपनी पंचर थी। पापा ये गाड़ी बेच के दूसरी क्यों नहीं ले लेते, ये तो हमेशा खराब रहती है। चुप कर। फिर क्या हुआ? मैं पंचर लगाने वाले को ढूंढ रहा था, दूर से भागती आती एक लड़की ने पास आकर मुझे हक कर लिया। मैं घबरा गया, मैं उसे धक्का देकर भागने लगा। मैं भागा तो वो लड़की मेरे पीछे पागलों की तरह पकड़ो पकड़ो कहकर भागने लगी। उसे देख सारे चलते फिरते लोग मेरे पीछे भागने लगे, कुछ उस लड़की को इम्प्रेस करने के लिए और कुछ यूं ही टाइम पास के लिए। फिर क्या हुआ? यू नो उन्होंने मुझे पकड़ा फिर पीटा बिना कुछ पूछे। तो ये सब हुआ? सच यही हुआ, लोग बिना कुछ सोचे बस टूट पड़े जैसे बाप का मालो, मारो मारो तोड़ साले को। कहानी बढ़िया है, ट्विस्ट है, सच भी है, सिवाय एक झूठ के कि हक उस लड़की ने नहीं तुमने किया होगा। तुमने सोचा होगा लड़की शर्मा कर चुपचाप चली जाएगी, घबरा जाएगी, पर लड़की ने उल्टा किया, वो चीखी चिल्लाई और भागी तुम्हें पीटने। ओ गॉड कैसा डर दिया है। शर्म करो प्रेम, बेटा सब समझने लगा है और एक तुम हो के जरा सा भी सुधरने को तैयार नहीं हो। ओ गॉड ये दिन दिखाने से पहले मुझे उठा लेता। तू मरे चुल्लू भर पानी में, बेटा गर्ग हो उस मीडिएटर का जिसने मेरी शादी ऐसे कैरेक्टरलेस इंसान से कराई। पापा ऐसा काम क्यों करते हो जिसे करने के बाद पिटना पड़े? अक्सर लोग इस उम्र में अपने बच्चों को संभालते हैं और मैं आपको संभाल रहा हूँ। आखिर कब तक सहता रहूंगा और कब तक आपकी गलतियों पर पर्दा डालता रहूंगा? जी जा जी कैसे हैं आप? और क्या चलेगा चलने? ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा जी जा जी? अगर आप कहें तो दर्द शेयर कर लूं। वो कैसे? जैसे उसने मुझे फोड़ा तुझे फोड़ के। दीदी बचाओ जीजू से। हे भगवान, एक ही तो पति देना था वो तो ढंग का दे देते। रुको फोन मैं उठाऊंगी। नहीं मैं उठाऊंगा। देखो प्रेम मुझे गुस्सा मत दिलाओ, फोन मैं उठाऊंगी। कुछ भी हो जाए मैं ही उठाऊंगा। दीदी मोबाइल नहीं उठाने दो, हैंड फ्री पे सुनेंगे। चलो प्रेम फोन उठाओ। अब तुम ही उठा लो, जल्दी करो फोन कट जाएगा। मैंने कहा फोन उठाओ। किसका फोन है? बॉस का। करो करो खुल के बात करो। गॉड ब्लेस यू जीजा जी। बैठा बोला पापा। इतनी देर में मेरा फोन उठाते हो? जी वो सर। ये जियो जियो क्या लगा रखा है? मैं हॉस्पिटल में हूँ सर। तुम हॉस्पिटल में हो? तुम्हें अब क्या हुआ? कौन से हॉस्पिटल में? मैं आज दिल्ली में ही हूँ। हेलो हेलो। देखो मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो। हेलो हेलो प्रेम दिस ईयर के प्रमोशन कैंसल। नो
हॉस्पिटल का नाम बताओ। हेलो हेलो हेलो, मैं कहता हूँ हॉस्पिटल का नाम बताओ। अरे बेटा ये तो हद हो गई, धमाद बाबू में एक भी लक्षण ठीक नहीं। बच्चे बता रहे थे कल फिर पिटे धमाद बाबू तुमसे। पापा मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मैं कहीं की नहीं रही। अरे अरे बेटा ऐसा नहीं कहते। इन्होंने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, ऑफिस में देखो तो वहाँ लगे रहते हैं, सड़क पर देखो तो ढूंढते नजर आते हैं, घर पर देखो तो फोन पर लगे रहते हैं। बेटी थकते नहीं है दामाद बाबू, दिन रात बस काम ही काम। यही नहीं आजकल तो दोस्त यारों के लिए भी ढूंढते नजर आते हैं। नौकरी तो लगी है ना दामाद बाबू की। बंद करो बाबू बाबू, दिल तो करता है कि खुद पर तेज रखकर आग लगा लूं। अरे बेटी तेरा शुक्र ठीक नहीं है, तू शुक्र देवता की पूजा किया कर। एक कमबख्त पूजा नहीं तो तंग कर रखा है, अगर कहीं मिलेगी ना तो मुंह नोच लूंगी उसका। भगवान की आरती करने से मन का शुद्धिकरण होता है। पापा चुप करो, आरती नहीं तो पूजा से मिलवाया था। घोर कलयुग आ गया है बेटी, घोर कलयुग। बस अपने कबूतर को चोगा डाले रखियो, ना इसे उड़ने दियो ना किसी को इसके छज्जे पे बैठने दियो। अब मैं भी ना मम्मा की तरह खींच कर रखूंगी। हो तो बिटिया को सब पता है तेरी मम्मी क्या क्या करती थी। वो भी तो आपके आरती उतार कर डंडे से पिटा करती थी जब आप घर देर से आते थे। तुझे ये भी पता? मुझे तो ये भी पता है कि मम्मा चार डंडे मारकर एक गिनती थी। बेटी मैं फोन रखता हूँ। मम्मा अनपढ़ थी लेकिन डंडे गिनकर मारती थी। बेटी मुझे तेरी आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो। बेटी दिमाग पर ज्यादा जोर मत दे, चुप हो जा, किसी को बताइयो मत। पापा हेलो पापा। सुनो मैं ऑफिस जा रही हूँ, दरवाजा बंद कर लो और गंगूबाई से ठीक से काम करा लेना। बाय।
आप जी कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, पर आप क्यों टूटा फूटा पड़ा है साहब? बस ऐसे ही। ऐसे हो गया। अरे क्या हो गया बाबा? बस यूं ही। यूं ही? यूं ही में ये हाल है तो कुछ करोगे तो क्या होगा? अब क्या होगा, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? एक इंसान चुपचाप सह ले तो गुनाहगार हो गया, कुछ कहने की हिम्मत नहीं है तो बदनाम हो गया। नहीं, ये दुनिया सच को झूठ और झूठ को सच मानती है। मैंने सोचा था मैं दुनिया से लड़ लूंगा, मैं कुछ कर लूंगा, पर मेरे रिश्तों में तो दरारे ही दरारे हैं। गंगूबाई, गंगूबाई मुझे वो लाल दवाई देना, मेरा सर दर्द हो रहा है। गंगूबाई वो लाल दवाई मुझे देना प्लीज। मैं देती है। ओ गॉड, मेरा सर फटा जा रहा है। लीजिए साहब ये दवाई, लीजिए साहब। ओ गॉड, मेरा सर फटा जा रहा है। गंगू भाई मेरा सर फटा जा रहा है, सर दबा दो प्लीज। थोड़ा इधर से। हाँ मैं दबा। थोड़ा इधर से, थोड़ा इधर से। माय फादर इज अ फ्रॉड मैन। चलो चलो अंदर चलो। क्या हुआ? कुछ नहीं, अंदर चलो। ये भीड़ कैसी? अरे कितनी बार मना किया कि छोड़ दे ये नौकरी, पर किसी की सुने तो सही। तुम ईशा की बात कर रही हो क्या? हाँ हाँ उसी की। उसे क्या हुआ, वो तो जर्नलिस्ट है। उसे क्या होता है, आखिर है तो वो लड़की है ना। अबे अब स्टिंग ऑपरेशन करोगे तो ये सब होगा ही। सांप के बिल में हाथ धोगे तो वो तो डसेगा ही। तुम तो चुप ही रहो तो अच्छा है। चलो अंदर चलो। अभी आता हूँ ना। तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी वहाँ जाने की? देखा देखा नौटंकी, वैसे ईशा के साथ प्यार जताती रहती है, और जब मुसीबत पड़ जाए तो पड़ोसी वो होता है जो पड़ोसी के काम आए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बॉस जा चुके हैं सर। ओ अच्छा, इतनी जल्दी? जल्दी नहीं सर, बॉस पूरा एक हफ्ता यहाँ रुके, और आपकी तबीयत खराब होने की वजह से आप उनसे मिल नहीं सके। वो तो है सर। आपको मालूम है बॉस पूरा एक हफ्ता यहाँ क्या करते रहे? क्या किया सर? वो सब नहीं जो आप करते हैं। देन सर बॉस पूरे एक हफ्ते बड़ी मेहनत के साथ आपका घर ढूंढते रहे। क्यों? बॉस आपके हालचाल पूछना चाहते थे। अब बता तो दिया था तबीयत खराब है, ऐसे टाइम वेस्ट करते रहती है। सैलरी लो पूरी, काम के ना पे आचार। बिल्कुल ठीक सर। सारी जिंदगी निकल गई, बस यूं ही टाइम वेस्ट करते रहे। He should learn from you, sir. आप क्या सीखेंगे? You know these all traditions संस्कार बचपन में पड़ जाते हैं। You are great genius, sir.
ओह यू आर वेलकम मिस्टर प्रेम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बेटर देन बिफोर सर। कुछ अच्छा फील कर रहे हैं? जी सर। आराम से, धीरे धीरे काम करना। जी सर। धीरे धीरे, होले होले, आराम से। राइट सर। इस साल की रिकमेंडेशन जा चुकी है, लिस्ट टाइप होके आ चुकी है, तुम्हारा बायोडेटा साथ भेजा जा चुका है। थैंक यू सर। व्हाट ब्लडी थैंक यू मिस्टर प्रेम। इस साल की प्रमोशन गई सर। नो इंक्रीमेंट, नो प्रमोशन टू यू सर। घर का एड्रेस नहीं, मोबाइल कंपनी में, ऑफिस में घर का एड्रेस गलत। सर मैं पहले वहीं रहता था। यस आई नो, और उसके बाद हो गए लापता। पर ऑफिस में तुम यहीं रहोगे एक और साल, सेम पोस्ट सेम ऑफिस। कमीना। क्या कहा तुमने? कुत्ता। प्रेम मैं तुम्हें नौकरी से निकाल सकता हूँ। सुअर। पिग। प्रेम मैं तुम्हें नौकरी से अभी डिसमिस करता हूँ। नो सर, ये मैं आपको नहीं वॉचमैन को कह रहा हूँ, जो कि निहायत ही बदतमीज है। कौन है ये? जब आप दोबारा दिल्ली आएंगे ना तब मिलवाऊंगा। ऐसे आदमी को नौकरी पर रखने की कोई जरूरत नहीं। राइट सर। यू नो तुम्हें फुल राइट है अपने से जूनियर को प्रमोशन देने का और निकालने का। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर व्हाट? मुझे मेरी ड्यूटी और राइट्स बताने का है? मुझे प्रमोशन ना देकर ठीक नहीं किया बॉस तुमने। अगर मैंने तुम्हारी प्रमोशन ना रुकवा दी तो मेरा नाम प्रेम नहीं। सर ये सबके बायोडेटा लेकर आओ। व्हाट? गो एंड ब्रिंग द बायोडेटा ऑफ एवरी एम्प्लॉय। यस सर। हेलो। हाँ बोलो। कैसे हो तुम? ठीक हूँ। प्लीज प्रेम अब थोड़े से बड़े हो जाओ। आई एम ऑन ए जॉब, लड़ने के मूड में नहीं हूँ। सर ये ओ तो तुम्हारे अलावा तुम्हारे केबिन में कोई और भी है, इम्प्रेस कर रहे हो। कभी सड़क पर तो कभी घर पर पिटते हो। यू आर अ टोटली गॉन केस। आई एम लकी मैन, देखा मेरा वाइफ मेरा कितना ख्याल रखती है। जी सर। अभी ऑफिस पहुंचा नहीं? सुनो जी, ये मत करना वो मत करना, ये मत खाना वो मत खाना। Really sir, your wife is very caring. कुछ काम कर ले? जी सर। टाटा बिरला रिलायंस डालमिया के रिक्वेस्ट लेटर और कोटेशन भेजो। हेलो। अब कैसे हैं दामाद बाबू? ठीक है। बेटी ज्यादा खींचने से पतंग कट जाती है, थोड़ी ढील दे देनी चाहिए ताकि पतंग उड़ती रहे। ये सारा ढील के कारण ही है पापा, बस अब चुप रहिए। आपको नहीं पता कि आपने कैसे आदमी के साथ मेरी शादी करा दी है। बेटी रो मत। रो ना तो क्या करूं? पूछ लीजिए चिंटू से नीटू से कैसे बिहेव करते हैं ये। बात बिगड़ गई है तो मैं आऊं? इस बार पूरा ना सुधारा तो कहना। पिछली बार जब मैं आया था तो पूरे 6 महीने ठीक चले थे दामाद बाबू। ओके पापा मैं फोन रखती हूँ, लगता है ये आ गए। हाँ? आ रही हूँ ना। हाय, जल्दी तैयार हो जाओ, पार्टी में चलना है। पार्टी? तैयार हो जाओ डार्लिंग, पार्टी में चलना है। ओके 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 जल्दी। Hey, how are you? जवानी एक नशा है, नशा है, ना उनको खबर है ना हमको खबर है, सुलगते बदन से धुआं बस उठा है, लगी आग चारों तरफ ये सुना है, जवानी एक नशा है। भाई आपने अपने हम सभी एम्प्लॉयज की प्रमोशन के साथ साथ सैलरी डबल कर दी, ये तो कमाल हो गया। Your company is a great company. सुना था आप बहुत मेहनती हैं। आपके साथ साथ आपके एम्प्लॉयज भी बहुत मेहनती हैं। ये तो बस सुना था।
देख तो पहली बार रहे। ब्लडी ऑल कल्प्रिट्स आर अंडर वन रूफ। एक ड्रिंक प्लीज। तुमने फोन क्यों नहीं उठाया? माय डियर, माय लविंग, माय स्वीट डॉली कपूर, मैं बेटू के फोन उठाकर अपना मूड स्पॉइल नहीं करना चाहता। Who was online? This is none of your business. पार्टी धीरे धीरे चलती रही। सब खुश थे सिवा डॉली के। वो कंफ्यूज थी, वो पार्टी एंजॉय करे या कलेश करे। आखिर डॉली ने भी खुशी ढूंढी ली चिंटू की नौकरी मेरे ही ऑफिस में मुझसे लगवा कर। सर, ये मिस्टर चिरंजीव शुक्ला को जॉब पर आपने ही रखा है? यस, तुम लोगों के हेल्प के लिए। तो हैंडसम इसलिए है? हैंडसम? कौन हैंडसम? मिस्टर चिरंजीव शुक्ला। सबको बुलाओ मेरे कैबिन में अभी इसी वक्त। देखो, तुम सबको मैंने प्रमोशन दी है ना? यस सर। तो कभी भूल कर भी चिंटू की तरफ का देखना, वो मेरा साला है, पाइप के प्रेशर में उसको रख लिया है। अब आप लोग समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? वक्त चल रहा था और मेरी किस्मत सो रही थी। उधर नीटू के स्कूल में प्रिंसिपल की मदर की डेथ हो गई और इधर चिंटू को पता नहीं होता था कि उसे कब इलाहाबाद होना है और कब इधर। आखिर उसकी शादी का जो सवाल था। प्रेम, उठ जाओ, दरवाजा बंद कर लो, मैं ऑफिस जा रही हूँ। नीटू कहाँ है? वो तो स्कूल चला गया। और चिंटू? अरे बाबा, वो तो सुबह ही इलाहाबाद चला गया। तो इसका मतलब घर के अंदर कर्फ्यू है और घर के बाहर इमरजेंसी, किसी को इजाजत नहीं घर से बाहर कदम रख के। छोड़ो भी, डोंट ट्राई टू बी रोमांटिक, ओके? यू नो डार्लिंग, अगर अंदर से रोमांस जाग रहा हो तो शुड आई गो टू मिस्टर शर्मा हाउस फॉर रोमांस? अरे भाई, तुम मेरी वाइफ हो, रोमांस तुमसे नहीं करूंगा तो किससे करूंगा? रोमांटिक बातें रात में कीजिएगा जनाब, दिन में नहीं। चलो दरवाजा बंद करो, मैं चली ऑफिस, बाय। सो जाइए जनाब, आ गई गंगूबाई, ये दरवाजा बंद कर लेगी। तो आज आप ऑफिस कितने बजे जाने वाले हैं? 12 या 1 बजे? साहब, थोड़ा नोट मिलेगा? ओके ओके। प्रेम कहाँ हो? सर मैं वो, मैं ऑफिस में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। सर मैं इलाहाबाद में हूँ। देखो, तुम्हारी इन्हीं हरकतों ने पिछले 14 साल से तुम्हें इसी पोस्ट पर बिठा रखा है। तुम्हें बताया था ना, इस साल भी तुम्हें प्रमोशन नहीं मिली। जी सर। और इस बार तुम्हें एडवांस में बता रहा हूँ, अगले साल भी तुम्हें प्रमोशन नहीं मिलने वाली। नो इंक्रीमेंट, नो प्रमोशन। 1.5 साल और सही। बुड्ढे अनमैरिड खुसड़, जब तू रिटायर हो जाएगा ना तो 14 साल की सारी प्रमोशन इंक्रीमेंट एक साथ ना ले ली। मेरा नाम प्रेम नहीं। हाँ, कहाँ हो तुम? घर पर। देखो, नीटू का मूड ठीक नहीं है चिंटू के इलाहाबाद चले जाने से, इसलिए वो स्कूल से सीधा मेरे पास आ रहा है और शाम को मेरे साथ ही घर वापस आएगा। ओके। प्रेम, आज ऑफिस नहीं गए? बॉस आया यार, फिर वही बकबक, प्रमोशन नहीं दूंगा, इंक्रीमेंट नहीं दूंगा। अच्छा, तो तुमने सोचा कि घर पर ही रहता हूँ? तो क्या करता, अब 4 दिन और रहना होगा। वो क्यों? बॉस दिल्ली में 4 दिन और रहेंगे। गुड, ग्रेट। अच्छा सुनो, वो मेरे नेकलेस का हुक टूट गया है, उसे ठीक करा देना। ओके। और वो गोल्डन सैंडल की एड़ी भी। ओके। और जो जो टूटा है ना डार्लिंग, सब रिपेयर करा दूंगा, और जो नहीं टूटा ना तोड़ के रिपेयर करा दूंगा। ठीक है। आउच, आई एम सॉरी प्रेम। इट्स ओके। कहाँ जा रहे हो? डॉली का नेकलेस ठीक करा। मुझे लिफ्ट दे दो प्लीज। ओह नो, अब तुम मेरा सैंडविच बनाओगी? उफ, कमबख्त फंसता ही नहीं। कमबख्त, एक बार छेड़ा था इनकी बहन को, पर ये साले मुझे तोड़ने में यूं ही लगे रहते हैं। थैंक्स गॉड, अगर उस दिन मैडम ना होती
मैडम स्वीट थी, वेरी स्वीट। आखिर कब तक यूं ही चलता रहेगा प्रेम? अब तो हद हो गई। जनाब इतनी लड़कियों से मिलते हैं कि ये भी भूल जाते हैं कि कब किससे कहां मिला था या मिला था भी कि नहीं। जहां लड़की देखी नहीं वहां शुरू हो गए दाने फेंकने। प्रेम मैं तुमसे बात कर रही हूँ, आखिर कितने दाने हैं तुम्हारे पास जो फेंकने में लगे रहते हो। थैंक्स गॉड कि मेरी कोई बहन नहीं है, वरना ये माश है तो उस पर भी दाने फेंकने में लगे रहते। माय फादर इज अ कैरेक्टरलेस मैन। तुम उसे घूर क्यों रहे हो? गलती तुम करो और भुगते हम सब। मेरा फ्रेंड बेचारा रो रहा था, उसकी मम्मी को भी नहीं छोड़ा पापा ने। शहर का कोई गली कूचा मोहल्ला नहीं बचा जहाँ इन्होंने कांड ना किया हो। ओ गॉड, एक फादर देना था, कम से कम वो तो डंगा दे देते। मेरी लाइफ तो हेल्प करती है। पापा कुछ इम्प्रूव क्यों नहीं करते अपने आप को? मुझे शर्म आती है आपको पापा कहते हुए। मत रो नीटू, मत रो, यहाँ कुछ नहीं होने वाला। इतने शोर का बस दो ही दिन असर होना है, तीसरे दिन फिर शुरू। तो मम्मी हम तीसरे दिन शोर क्यों नहीं मचाते? नीटू नॉर्मली तीसरे दिन तो हमें कुछ पता ही नहीं चलता, हमें तो महीनों बाद पता चलता है इनके कांड के बारे में। माय फादर इज अ मत रो। गलती हुई है, इट्स ओके, गलती हुई है। अब मैं मान रहा हूं ना कि मुझसे गलती हुई है, अब मैं मान रहा हूं ना कि मुझसे गलती हुई है, इट्स ओके। आखिर इंसान से ही गलतियां होती हैं, मैं कोई भगवान तो हूं नहीं। अरे गलती तो भगवान से भी होती है। जो मुझ जैसे हैवान को बना देते हैं। सॉरी। चिंटू की शादी फिक्स कर दी है पापा ने, हम वहीं जा रहे हैं। अभी पूरी तरह फाइनल नहीं हुआ इसलिए आपके बिना जा रहे हैं। डेट फिक्स होते ही आपको फोन कर देंगे, अब टाइम से आ जाना। ओहो तो ये बात है, पहले क्या नहीं बताया? यूं ही बटरिंग करवा रही थी। आपको क्या फर्क पड़ता है मिस्टर प्रेम, आपकी तो आदत है ना बटरिंग करने की। जहाँ लड़की देखी नहीं वहीं शुरू हो गए, फिर कभी कभार घर पे कर दी तो क्या हुआ? हाँ हम जा रहे हैं, दरवाजा बंद कर लो। घर का ख्याल रखना और पूरे शहर का, और प्लीज कोई हॉरर पैदा मत करना ताकि मुझे सीधा इलाहाबाद से भागकर यहाँ आना पड़े। पिछले बार की तरह पुलिस स्टेशन जाकर ये कहना पड़े कि प्लीज ये मेरे हस्बैंड है। डोंट मार रही हो? नहीं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। यू नो लड़कियां तुम्हारे पीछे भागी इस ओके कि मेरे हस्बैंड में ही कुछ ऐसा है जिसके लिए लड़कियां उसके पीछे भागती हैं। पर जब तुम लड़कियों के पीछे भागते हो ना तो इंसल्ट फील होती है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? यस डॉली, तुम मुझे 50% परमिशन देके जा रही हो कि मिस्टर प्रेम कुछ ऐसा करो कि लड़कियां तुम्हारे पीछे भागे, तुम नहीं। क्या सोच है तुम्हारी? ग्रेट डॉली ग्रेट। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम वो तुम हो जो 100 साल नाली में भी रखा जाए तो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। अरे सुनो तो सही। डू व्हाटएवर यू लाइक, जस्ट लीव अस। अरे सुनो तो सही, ये नीटू कहाँ गया? अभी तक टैक्सी क्यों नहीं लाया? आई एम अनॉयड विद यू। थैंक यू वेरी मच। ये कहीं और करना ना, स्ट्रिंग ऑपरेशन। प्लीज लीव मी, ये स्ट्रिंग ऑपरेशन नहीं है। तो फिर क्या है? ये लव है। ओह नो डार्लिंग, डायन भी 7 घर छोड़ देती है।
का तुम्हारा आठवां है। ओह गॉड हेल्प मी। प्रेम रुको प्लीज सुनो। मेम साहब, ओ मेम साहब, कहाँ चले गए सब? मेम साहब, ओ मेम साहब, मेम साहब, ओ मेम साहब, मेम साहब, ओ मेम साहब, मेम साहब। कोई माँ? अभी से? हमको डर लग रहा है। क्यों, क्या हुआ? घर में भीम साहब, नीटू साहब नजर नहीं आ रहे। तो हमारा दिल धड़क रहा है। धड़कने दो। हमारा दिल मचल रहा है। मचलने दो। हमारे अंदर कुछ हो रहा है। होने दो। हमारा बदन जल रहा है। चलने दो। फसा इश्क में मैं फसा इश्क में मैं फसा। मकड़ी का ये जाला इसमें मैं ही फसा इश्क में मैं फसा इश्क में मैं फंसा। नैनों में नैन उसने गड़ाए फिर अदाओं के तरकश घुमाए। नैनों में नैन उसने गड़ाए फिर अदाओं के तरकश घुमाए। रौंद कर वो मेरा जलजला आग पर पानी यूं क्यों बहाए। फंसा इश्क में मैं फंसा इश्क में मैं फंसा। ये जवानी ना हमें दिखाओ चूके मुझको ना तुम यूं जलाओ। ये जवानी ना हमें दिखाओ चूके मुझको ना तुम यूं जलाओ। आग को यूं ना दिया दिखाओ तूफान में यूं बहाना ले जाओ। फंसा इश्क में मैं फंसा इश्क में मैं फंसा। दिल के अरमा यूं ना जगा बुझाओ। दिल के अरमा यूं ना जगाओ जो उठे तो फिर ना बुझाओ। आग पानी में तुम ना लगाओ रिस रिस के हमको ना जिंदा जलाओ। फंसा
इश्क में मैं फंसा, इश्क में मैं फंसा, मकड़ी का ये जाला इसमें मैं ही फंसा, इश्क में मैं फंसा, इश्क में मैं फंसा।